हाय दिस साइड अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूड्स. थैंक यू अंजलि. ये बताइए आपको कैसे अप्रोच किया गया और जब आपने सुनी तो आपको मतलब ये ऑफर कैसा लगा? हाँ क्यों बोला आपने? किस आप कन्विंस हुई? एक्चुअली क्या था कि जब मुझे लॉकअप का ऑफर आया था तब आई वॉज नॉट प्रिपेयर. मैं प्रिपेयर नहीं थी. मैं ना मेंटली प्रिपेयर थी ना फिजिकली प्रिपेयर थी कि मुझे ऐसा था कि यार पता नहीं क्या ही होगा. ना मैंने रियलिटी शो कभी पहले किया है ना मैंने रियलिटी शो देखे हैं. तो मेरे दिमाग में यही था कि यार पता नहीं कैसे होगा और ऊपर से 24/7 लाइव है और लाइव में कैसा होता है क्या होता है. पहले ऐसा कोई लॉकअप का शो नहीं आया जिसमें हमें पता चले कि उसमें एग्जैक्टली होता क्या है. तो फिर मैंने लास्ट मोमेंट पर मैंने ये सोचा कि यार लेट्स टेक अ चांस कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इसको लेके देखते हैं. तो बस यही सोच के हाँ कर दी थी कि कुछ कर कर आएंगे नया. वो तो आपने डेफिनेटली किया. जो प्यार सोशल मीडिया पे अभी भी जारी है वो बिल्कुल देखना हम भी देख रहे हैं. हम भी रियली रिस्पेक्ट दैट. थैंक यू सो मच जिन्होंने ये इतना प्यार दिया. थैंक यू. और ऑब्वियसली आप से एक और सवाल पूछना चाहेंगे और फैंस भी पूछना चाहते हैं तो फैंस की सवालों को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल मुंजली. Yes. क्योंकि एक दोस्ती जेन्युइन दोस्ती नजर आई थी. Yes. वो नजर आई थी नहीं नजर आई है और हमेशा रहेगी. Exactly. यही सुनना चाहते हैं फैंस कि आप लोगों की दोस्ती वो बहुत जेन्युइन थी और बहुत खास थी. बिल्कुल आपके लिए कितनी खास है? बिल्कुल जितनी उसके लिए खास है उतनी मेरे लिए खास है. और लोग ये जानना चाहते हैं क्या लॉकडाउन के बाद मतलब खत्म होने के बाद आप लोगों की बातचीत हुई क्या? नहीं एक्चुअली मेरी बात नहीं हुई है उससे और ना ही उसको टाइम मिला. आई थिंक मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी थी. मेरे फैमिली फंक्शन था. मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी थी तो मेरा एक हफ्ता पूरा फैमिली में गया. सब आ रखे थे घर पर सबसे मिलने में सब कुछ पार्टी करने में. तो मेरा पूरा एक हफ्ता उसमें गया है. मैं इंस्टा पर भी इनएक्टिव थी तो इंस्टा भी नहीं चला पा रही थी. तो अब जब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो अब उससे मिलूँगी भी बातें भी होंगी चीज़ें भी शेयर होंगी. बस क्योंकि फैंस यही चाहते कि ये दोस्ती ना. बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती हमेशा रहेगी. एग्जैक्टली क्योंकि मुनावर भी ट्विटर स्पेस पे जब लाइव आए थे उन्होंने कहा था कि आप लोग जो ब्लेम कर रहे हो ये मत करो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है. ये बहुत पॉजिटिव मैसेज उन्होंने अपने फैंस तक पहुँचाया. क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? थैंक यू मुनावर उसने इतना अच्छा ये किया. बिकॉज फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग हैं कि कुछ उसको फ्रेंडशिप बेस में ले रहे हैं कुछ उसको लव एंगल में ले रहे हैं. बट हमारी लाइफ जो है जो हमने उस चीज़ को क्रिएट किया है तो हमारी जो शुरू से फर्स्ट डे से रहा है वो हमारी फ्रेंडशिप रही है. फ्रॉम डे वन टू एंड तक हमारा वो पूरा फ्रेंडशिप रहा है. अब कहीं ना कहीं आपके जो फैंस हैं वो आपको बिग बॉस 16 या बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहेंगे. अगर ऑफर आता है तो आप जाना चाहेंगे? ज़रूर. बिग बॉस की कौन सी ऐसी बात जो आपको पसंद है? सी मैंने रियलिटी शोज इतने देखे नहीं हैं बट अगर आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी. गिवन एन ऑप्शन खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस? लेट्स सी सरप्राइज. कहीं नजर आने वाली है आप लोग? लेट्स सी सरप्राइज. ओके जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा इतना प्यार करने के लिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो. बहुत सी चीज़ें लेकर आऊँगी और हमेशा आपको प्राउड फील कराऊंगी. थैंक यू. एक और सवाल. यस.